इमरान खान अपनी हुकूमत गंवाने के बाद मुसलसल एक बयानिए के ऊपर काम कर रहे हैं और उन्होंने अपने अलावा पाकिस्तान में जितने उनके सियासी मुखालफीन हैं सारों को गद्दारी की एक सफ के अंदर खड़ा कर दिया। उसके अंदर इस्टेब्लिशमेंट भी शामिल है, उसके अंदर वो पीडीएम की तमाम जमातें भी शामिल हैं जो इस वक्त हुकूमत बना के बैठी हुई हैं। सिर्फ इमरान खान पाकिस्तान में सही आदमी है, बाकी सारे गद्दार हैं। सुन लीजिए आज क्या कहा उन्होंने, दिखाइएगा जी। मैं चुप हूँ, ये हुआ सब कुछ, मुझे तो सब पता है कि किसने क्या किया। मैं सिर्फ और सिर्फ अपनी कौम के लिए कि मैं चाहता हूँ मेरे मुल्क को नुकसान ना पहुंचे, मैं चुप करके बैठा, मैं कोई बात नहीं करता क्योंकि मुझे पता है किस तरह ये सारी साजिश हुई थी और कौन कौन मुलव्वस है। लेकिन अगर इसी तरह हमें दीवार के साथ लगा दिया गया और इसी तरह ये हरासा किया गया तो मुझे, मैं मजबूर होऊंगा, फिर मैं बोलूंगा, मैं फिर सब कुछ कौम के सामने रख दूंगा कि क्या हुआ। एक वीडियो बनाई हुई है, महफूज जगह पर रखी है कि अगर मुझे कुछ होता है तो वो भी पब्लिक को पता चलेगा कि कौन कौन कैरेक्टर्स ने क्या क्या किया। ये जो मुल्क को, इस मुल्क से जो इतनी बड़ी गद्दारी की है वो किस किस ने की है। गद्दारी जिसने भी की है मुझे पता नहीं है, लेकिन जो इमरान खान का बयानिया है पाकिस्तान में एक फसाद वाली कैफियत को पैदा करने के लिए वो काफ़ी है, क्योंकि इनकी सोशल मीडिया जो सेल्स हैं, टीम्स बनी हुई हैं, वो फौज के चीफ से लेकर जो सरकर्दा लोग हैं उनको अगर यूं उंगली उठा के साथ मिसालें लिखेंगे कि किसने हुकूमत गिराने में क्या रोल अदा किया और उसके साथ इंतहाई नामनासिब जुमले लिखेंगे तो वो एक फसाद वाली कैफियत की निशानदेही करते हैं। अपने सियासी मुखालफीन को चोर और डाकू के अलकाबात से पिछले कई सालों से पुकार रहे हैं, आज से नहीं 10-12 साल से उन अलकाबात से पुकार रहे हैं। अब उन चोर और डाकू के साथ उन्होंने उनको गद्दार भी करार दे दिया, तो इलेक्शंस में जो भी 17 जुलाई को अभी 22 इलेक्शन हैं या जनरल इलेक्शन में रिजल्ट आएगा वो इमरान खान को काबिल कबूल होगा ही नहीं। इमरान खान को सिर्फ तभी काबिल कबूल होगा कि वो 20 की 20 नशस्तें अभी और जनरल इलेक्शन में सारी नशस्तें बताया जाए कि पीटीआई जीत गई है, फिर तो वो सही होगा, नहीं तो सारा इलेक्शन किसी गद्दार ने, किसी साजिश ने इनसे चुरा लेना। ये एक क्राइसिस है जिसके ऊपर अगर अभी से कुछ काम कर लिया जाए और इनको इंगेज किया जाए और इनसे समझाया जाए कि बताओ भाई कौन सा ऐसा तरीकाकार है जिसको लेकर आगे चलें, जिसको आप मान लेंगे ताकि इस मुल्क को आगे बढ़ने के लिए कोई रास्ता मिल जाए। शहबाज शरीफ पाकिस्तान के लिए कोई आइडियल प्राइम मिनिस्टेरियल कैंडिडेट नहीं है, उनके ऊपर चार्जेस हैं और उनकी फैमिली बिजनेसेस में है और उस बिजनेसेस के ऊपर बहुत सारे इल्ज़ाम हैं, शहबाज शरीफ के बच्चों के ऊपर इल्ज़ाम हैं, लेकिन क्या वो पाकिस्तान बेचने में मुलव्वस है? ये एक बड़ा सवाल है जिसका जवाब ना मिले। और इमरान खान को अपनी सियासत कुछ इसी तरीके से उस्तवार करनी चाहिए कि पाकिस्तान का निज़ाम चलता रहे, उसके अंदर अपने सियासी बयानी को फ़रोग दें लेकिन पाकिस्तान की कॉस्ट के ऊपर नहीं।